अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक मरहूम सर सैयद अहमद खान ने समाज के लिए शिक्षा का जो बीड़ा उठाया था, वो आज जो पौधा लगाया था, वो आज फल फूल कर पूरी दुनिया में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम रोशन कर रहा है। हमारे फिरोज़ाबाद में भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहे, और हर साल जो सर सैयद डे योम सर सैयद मनाया जाता है, हमारे फिरोज़ाबाद के लोग भी आज यहाँ मिलजुल कर बहुत ही शिक्षा की ओर बढ़ते हैं। शिक्षा की ओर जो लोग आगे बढ़ रहे हैं उनको सम्मानित किया जाता है, शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग सेवा कर रहे हैं उनको सम्मानित किया जाता है। आज एक और काम हुआ है कि दो बेटियों का आज जहाँ निकाह हुआ है इस मौके पर, सामाजिक काम में सर सैयद अहमद खान ने जो बीड़ा उठाया था समाज सेवा का, वो बहुत ही बड़ा काम था। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर, उन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर हम लोग समाज सेवा की ओर बढ़ रहे हैं। आगे भी ये काम जारी रहेगा। शहर के बहुत ही मौजूद शिक्षाविद समाज सेवी आज यहाँ उपस्थित है, और सर सैयद डे यहाँ मनाया जा रहा है रॉयल पैलेस फिरोज़ाबाद में। हम आए हुए सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं, ख़ासतौर से पत्रकार बंधुओं का, जिनके सहयोग से ये कार्यक्रम और प्रचार प्रसार किया जाएगा। हम उनके आभारी हैं। और आज ये सर सैयद डे मनाया जा रहा है, इसकी यादें मनाते हैं, और किस तरीके से त्यौहार मनाते हैं, किस तरीके से मनाते हैं? जी, मेरा नाम मोहम्मद आमिर है। मैं AME में ग्रेजुएशन किया है मैंने ऑनर्स पॉल साइंस में। जहाँ तक ताल्लुक मरहूम सर सैयद अहमद खान साहब, उनका डेट ऑफ बर्थ है 17th of October। उनकी याद में हम ये लोग योम सर सैयद मनाते हैं। और जहाँ तक ताल्लुक़ है बच्चियों के निकाह का, तो यहाँ के समाज सेवी और शिक्षाविद सब ने मिलकर इस काम का बीड़ा उठाया है, और इस नेक काम को आगे भी बढ़ाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और शिक्षा से जुड़ा, जो एजुकेशन से जुड़ा मसला है, बच्चों को स्कॉलरशिप देने का या बच्चों को मोटिवेट करने का, अवेयर करने का कि हम एजुकेशन की तरफ जाएँ और किसी भी तरह अपने समाज में शिक्षित होकर समाज को बेहतर बनाने का योगदान दें।